जमीन कम होता है हर साल भारत देश में। तो आप समझ लीजिए आगे जाके न्यूट्रिशन फूड का क्या होगा, व्हाट इज आवर पॉपुलेशन नाउ। हर कोई बोलता है अडल्ट्रेशन, अच्छा फूड चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए हर बच्चे को, हर माँ बाप ने वही सोचता है। तो ये मशरूम चीज ऐसे है कि घर घर में होगा और टेरेस के ऊपर होगा, वो 1,000 स्क्वायर फीट टेरेस के ऊपर एक साल का अगर मशरूम का इनकम अगर देखा जाता है तो आप समझ लीजिए एक एकड़ कोई भी खेती में, कोई भी सब्जी में, कोई भी इसमें वो दिखाई नहीं देगा। तो 365 डेज कोई भी एज का पर्सन, देश में कितना रिटायर्ड लोग है, कितना बुजुर्ग लोग है, कितना लोग है घर पे खाली हाथों में बैठा है, वो खाली हाथ हमारे देश के लिए सबसे बड़ी हाथ है। तो आपका समझ के चलिए पूरी देश का सबसे बड़ा सेवा है। आज मेरा YouTube में कई वीडियोस पुराने हैं, वो देखते हैं कि भारतीय जितने भी बाहर के लोग बाहर का कंट्री में वीडियो देखते हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर ये देश छोड़ के हम आना चाहते हैं, हमारा मुल्क में हम काम करेंगे, हम उगाएंगे मशरूम ही उगाएंगे। तो सऊदी से, दुबई से, मस्कत से, यूएसए से कॉल करते हैं। तो मुझे गर्व महसूस होते हैं कि कई लोगों ने केरल में ऐसे काम करके दिखाया। तो उधर से आए थे उन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, मशरूम का प्रोजेक्ट चालू किया, वो विदेश जाना बंद कर दिया। तो आप समझ लीजिए आज का तारीख में जुलाई महीना चल रहे 2020 है, कोरोना की वजह से पूरी देश में काफी लोग अपना मुल्क पहुंच चुके हैं, उन्होंने आज खाली बैठा है, उनके लिए सरकार कितना पैसे देते वो इम्पोर्टेंट नहीं, उन्होंने सरकार को कितना पैसे दे सकता है वो उससे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि वो चीज है मशरूम चीज। आप बनाओ, उगाओ, बेचो और हम खरीदने को भी तैयार है। और समझ लीजिए हर मेट्रो सिटी में आज अपने जो स्टूडेंट्स का जो ब्रांड्स आता है वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। पुणे हो या मुंबई हो या चेन्नई हो या कोलकाता हो या कन्याकुमारी हो, आज मैंने प्रॉमिस किया हूं कि आज पूरी भारत देश में मशरूम ही मशरूम कर देना है। गली गली में हमारे देश में जो जलाने वाला जो रॉ मटेरियल है उसके हमें एक अन्न निकालना है, उससे एक प्रोटीन निकालना है, उसके अंदर से एक एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना है। फैक्ट्री बंद हो सकता है लेकिन मशरूम इंडस्ट्री बंद नहीं होता है। आप ध्यान में रखिए मशरूम इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। तो टेरेस के ऊपर भी एक इनकम जनरेट किया जाता है। ओके, और हर इंडियन को हर रोज जरूरती चीजें हैं, सबसे शॉर्टेज है। मैंने मैक्सिमम भारत देश में जितना पोल्ट्री शेड्स बंद होता है उसको मैक्सिमम मैंने मशरूम के अंदर कन्वर्ट किया हूँ हमारे देश में। तो समझ लीजिए कि पोल्ट्री शेड क्यों बंद होता है, तो ड्यू टू द पॉल्यूशन। अगर शहर बन गया तो उसको बंद कर देते, वो बंद कर देते, दैट इज अ नेशनल प्रॉपर्टी, वो खराब होके चला जाता है। तो उसके अंदर हमारे स्टूडेंट लोगों ने मशरूम का प्रोजेक्ट लगा देते हैं तो मुझे कितना खुशी होती है कि वो बनी हुआ वो शेड के अंदर मशरूम उगाते हैं और वो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज मुंबई जैसे शहर में कौन सा भी फ्लोर के अंदर मशरूम उगाते हैं लोग, तो आप समझ लीजिए कोई कॉर्पोरेशन का कोई स्मेल नहीं आता है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, इतना अच्छा चीज मशरूम चीज है। तो सभी को मेरा ये कि रिक्वेस्ट ये है कि पूरी भारत देश के लिए ये जो अभी हाईटेक एग्रो एंड एक्सपोर्ट करके इन लोगों ने जो चालू किया है, तो इनको मैंने मार्गदर्शन देता हूँ, मेरे तरफ से सपोर्ट देता हूँ। आप लोग इनको सपोर्ट करिए, इनके जरिए आप लोग बिजनेस करना शुरू करिए। आपको 7 दिन का एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 7 दिन का एजुकेशन आप वीडियो में लेने के बाद आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप समझ लीजिए इसका टोटल कॉस्ट जो है 45,500 रुपीज होता है, ये 7 दिन का एजुकेशन, उसके बाद दो किट का, वो दोनों किट के अंदर आपको इनकम उससे कहीं गुना ज्यादा मिलता है। उसके बाद आपको जितना चाहिए उतना बीज हमेशा सप्लाई किया जाता है, जितना चाहिए उतना बीज आपको मिलता है। ओके, इसके बाद आपको एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहता हूँ। आप मशरूम का फार्म शुरू करो, डायरेक्टली फर्स्ट एजुकेशन लो और फार्म शुरू करो, एक आपका ब्रांड का एक बोर्ड बनाओ और बोर्ड लगा दो, और कोई भी आया उनको आप बताओ मशरूम।